झूठ नहीं बोला था मैंने, मैंने झूठ नहीं बोला था। वो एक्चुअली मैं कश्मीरा को सरप्राइज देना चाहता था मैडम। कौन सा सरप्राइज? अरे अब यही सेम बात जो तुम्हें संजना मैडम ने बताई, सोचो अगर खुद रजनी सर अपने मुंह से तुम्हें बताते कि वो मेरे बचपन के दोस्त हैं तो कैसा लगता तुम्हें? संजू फिर तो मैं खुशी से पागल हो जाती। हाँ तो पागल ही तो करना चाह रहा था तुम। मतलब मैं तुम्हें सडन खुशी देना चाह रहा था ना बेबी। मैं चाह रहा था, पेशेंस नहीं है लेकिन तुम में यार बिल्कुल इतना सा इंतजार नहीं होता तुमसे यार। तो मैं नहीं कर सकती मिस्टर साजन, आई रियली कांट वेट, आई एम डाइंग टू मीट हिम। बाय द वे मिस्टर साजन, रजनी सर ने आपको फोन करके बताया ही होगा कि वो आपके एड एजेंसी में आने वाले हैं। शूट खत्म होते ही सबसे पहला कॉल उन्होंने मुझे ही किया। पहली अलग है ना, एकदम फोन उठा के भी ऐसे, संजो तुमने मुझसे मिलने का विश किया, इसके लिए तुम्हारा एड एजेंसी के साथ में कम बजट में यश किया, सिर्फ तुमसे मिलने के लिए मैं आ रहा है, एयरपोर्ट में मुझे सिक्योरिटी नहीं तुम चाहिए, वरना मैं वापस लौट जाएगा। संजू हमारी इतनी पक्की दोस्ती है रजनी सर से। यार ऑफिस है यार, पक्की दोस्ती है हमारी, इतनी पक्की हम अखरोट तोड़ दे अपनी दोस्ती से। इसका मतलब मिस्टर साजन आप रजनी सर को एयरपोर्ट पे रिसीव करने जाएंगे? रियली? हाँ ऑफ कोर्स मैं जाऊंगा मैडम। मैं क्यों नहीं जाऊंगा, मेरा कितना पुराना बचपन का दोस्त है मैडम। और जितने बेताब आप लोग नहीं है ना उनसे मिलने के लिए, उससे कई गुना ज्यादा बेताब हम दोनों दोस्त हैं आपस में एक दूसरे से मिलने के लिए। तो मैं तो कोई रोक ले मैं जाऊंगा मैडम। मैं फिलहाल जाके तैयारियां कर लेता हूँ ना उन्हें रिसीव करने की। तैयारी कर ले ऑफिस से यार। शो मिस्टर साजन, यू कैन स्टार्ट, गो अहेड। क्या कर रहा हूँ यार मैं, एक झूठ छुपाने के चक्कर में मैंने 100 झूठ बोल दिए, अब जब मेरे राज खुलेंगे ना तो मुझे 100 जूते पड़ेंगे। अबे यार एक झूठ बोल के तूने अपना कफन सील ही लिया था तो दूसरा झूठ बोल के उस कफन में कढ़ाई करने की क्या जरूरत थी बे? एक काम कर, एक और झूठ बोल और उस कफन पे ना झालर लगवा झालर, और फिर भी पसंद ना आए ना तो मुझे बोलना बेटा, मैं जड़ी मड़ी का काम कर दूंगा। अबे अपनी मर्जी से जिंदगी जी नहीं पाया तो कम से कम मर तो सकता था ना तू, है? तू लेमन चूस ले, मैं साले तुझे यहाँ पे अपनी प्रॉब्लम बता रहा हूँ, तू दर्जी की दुकान खोल के बैठा हुआ है, मैं ऐसा फाड़ूंगा ना खिलौने तुझे कि कोई दर्जी रफू नहीं कर पाएगा तुझे। बड़ा क्यों रहा है यार, है? दे रहा हूँ ना आइडिया, एक काम कर लिक्विड ऑक्सीजन बना और सुन H2O कम डालना। बना मेरी बात ध्यान से सुन, तू एक काम कर यहां से ना सीधा स्टेशन जा, और स्टेशन के पास ना गप्पू मिठाई वाले की दुकान देखा है ना तू, उसके बगल से खंबा लग गया। तू लेमन चूस ले, तुझे आइडिया देना हो तो दे वरना चल उठ यहाँ से, जा अपने घर जा, चल अपने घर जाके पी। अरे बड़की वाला है यार, इसमें मेरी क्या गलती है यार, गलती साली की है, एकदम डुप्लीकेट है यार, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मेरा आइडिया छुपा दिया है। आ गया आ गया आ गया आ गया, लो नहीं आइडिया आ गया मुझे, तू एक काम कर, तू मुझे किडनैप कर ले। पागल हो गए क्या यार, हैं? किसी मालदार आदमी को किडनैप करो तो बात समझ में आती है, अबे एक गरीब का किडनैप करके मुझे क्या फायदा? बेटा अगर तू नहीं करेगा ना तो तेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, मैं भाभी को बता दूंगा वो तेरी सर्जरी वाली बात। यार अब अपने भाई से इतना मजाक भी नहीं कर सकता क्या यार, है? तू बाद में भाभी भाभी बोलता है, हो जाएगा, लेकिन एक बात बता,
तुझे किडनैप करने से क्या फायदा बे? अबे फायदा ये होगा कि तू मुझे यहाँ से कर लेगा किडनैप, तो मैं यहाँ पे होऊंगा ही नहीं, है ना? तो फिर मुझे रजनी सर को रिसीव करने एयरपोर्ट जाना भी नहीं पड़ेगा, ऑफिस जाने की भी छुट्टी, और जब तू मुझे छोड़ेगा तब तक ये सब कुछ खत्म हो चुका होगा। कैसा लगा आइडिया? यार जबरदस्त आइडिया है यार, माँ कसम भाई, मैं छाती ठोक के बोल सकता हूँ कि हजार कुत्ते मरे होंगे ना तब मेरा भाई पैदा हुआ है। चल कुत्ते निकल। अरे तो अपने घर जा। अबे साजन, आई एम जस्ट किडिंग यार, आई विल किडनैप यू, डोंट वरी अबाउट दैट, नाउ टेक इट। जीजा जीजा, मन्ने भी ना अपने साथ लेकर चलियो, रजनी सर का वेलकम करने को रोबोट बनकर चलूंगा मैं। तुझे बनने की क्या जरूरत है बे, तू शक्ल से ही टीन का डब्बा लगता है। हरियाणवी लैंग्वेज मोड वाला गरीबों का सस्ता रोबोट। एरी कश्मीरा, कह देना मेरे दामाद से कि मुझे भी ले चले, मैं रोबोट फिल्म के हीरोइन ऐश्वर्या राय बन के चलूंगी। ओ सासुमा, एक आदमी अच्छा काम कर रहा है तो अच्छा नहीं लग रहा आपको देख के? उसको रस्ते लगा देना आप, बिल्कुल अपनी गंदी नजर नहीं डालना आप रजनी सर पे। आपको कहीं नहीं लेके जाऊंगा, आप यहाँ रहना बिल्कुल पर्दे में बंद करके अपने आप को। पर्दे और दरवाजे तो नवाब साहब बंद किया करते थे। देख रही हो तुम ये, और तुम मुझ पे शक करती हो, अब पूछियो रे इनसे कि पर्दे और दरवाजे बंद करके क्या होता था, क्या करते थे। अरे कश्मीरा, कह दे रे इनसे कि जब पर्दे और दरवाजे बंद हो जाते थे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि उनके पीछे क्या होता था। कैंटीन पे छोड़ो प्लीज, तुम मुझे एयरपोर्ट लेके चलो ना, मैं ना रजनी सर को अपने हाथों से बना वो मसाला डोसा अपने हाथों से खिलाऊंगी, सच्ची। वो कच्चे आलू वाला डोसा? तुम रहने दो बेबी यार, मुझे अपनी पक्की दोस्ती कच्ची नहीं करनी रजनी सर के साथ। संजू प्लीज लेके चलो ना मुझे प्लीज। दीजा मैंने लेके चलना हमारा प्यारा दीजा, दीजा बस करो, दीजा नहीं हो सही कही, बस करो, इतने सारे लोग चलेंगे तो बस तो करनी पड़ेगी ना। कोई कहीं नहीं जाएगा। संजू लेके चलो ना प्लीज, बंद करो यार, मैं खुद एयरपोर्ट नहीं जा सकता यार, तुम लोगों को कैसे लेके जाऊं मैं? तुम एयरपोर्ट क्यों नहीं जा सकते? बोलो ना। क्योंकि इसका किडनैप होने वाला है। कौन हो भाई, मुझे क्यों किडनैप करना चाहते हो? किड्डू किडनैपर मारा नाम से, किडनैपिंग मारा काम से। अरे मम्मी, यो तो मारी तरिया बोल रहे थे, तन्ने कभी बताया नहीं कि मारा कोई भाई किडनैपर से। मेरे किडनैपर कह दे रे भोपू से कि मुझे क्या पता कौन कौन किस किस धंधे में लग गया है। देखिए किडनैपर भाई साहब, अब आप इनको क्यों किडनैप करना चाहते हैं? ये तो फेमस भी नहीं है और ना ही अमीर है, आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई होगी। मुझे गलत फहमी नहीं हुई से, मारा किडनैपिंग का मूड हुआ से, तो मैं किडनैपिंग करने आ गया। ओए साजन, इतनी बार आखिरी बार अपने परिवार वाले को बाय बाय बोल दे से, क्या पता कल हो ना हो। मम्मी, आपकी झोपड़ी से इप तो आराम से बैठ के ना कुटापा देखेंगे, दादी ने अपना शिकार मिल गया, खतरे की कोई बात नहीं से। और अगर दादी का शिकार से मन नहीं भरत तो? सवाल बहुत पूछा है तू। शिवानी, तू मेरा सच्चा दोस्त है यार, दोस्त के लिए तू शहीद हो गया, भगवान तेरी आत्मा को शांति दे। दादी से पंगा लेगा तू, धो दी उस बावली पूंछ को। मेरा काम दुख रहा है।
अच्छा हुआ वो किडनैपर भग लिया, वरना मैं उस किडनैपर की ना थूथड़ी छेद देता यूं। तू चुप कर, इसके सामने तो आवाज नहीं निकली और अभी बड़ा शेर बन रहा है। और संजू ये क्या है, जब मैंने तुमसे पूछा कि तुम एयरपोर्ट क्यों नहीं जा रहे हो तो उसका जवाब किडनैपर ने क्यों दिया मुझे? मुझे क्या पता, वो तो उससे ही पूछना चाहिए था ना कि उसने क्यों दिया, मैं कैसे बता दूं कि उसने क्यों दिया यार। एक मिनट जीजा, लेकिन तूने यो क्यों कही कि तू एयरपोर्ट नहीं जावेगा? तन्ने पहले से ही बेरा था गए, यो किडनैपर आवेगा और तन्ने किडनैप करके ले जावेगा। बोलो। बोल। रजनी सर का फोन आया था मुझे, उन्होंने मुझे बोला कि एयरपोर्ट पे तो बहुत भीड़ होगी और उनके फैंस होंगे, मीडिया होगी, तो वो उन लोगों को इग्नोर नहीं कर सकते ना यार, इतना बड़ा सुपरस्टार आदमी है वो, और मुझे भी इग्नोर नहीं कर सकते, दोस्त हूँ मैं उनका। तो उन्होंने बोला कि हम लोग डायरेक्टली ऑफिस में मिलेंगे, वहाँ बैठ के आराम से चिकलस करेंगे, इसलिए एयरपोर्ट कैंसिल। ठीक है, कल मैं तुम्हारे साथ ऑफिस चलूंगी। रिजी जी, यो बात तो तन्ने बिल्कुल सही कही, और जीजा हमें वहाँ आने से बिल्कुल नहीं रोक सका है। मैं तो वैसे भी वहाँ पर जॉब करूँ ना, और संजना मेरी फ्रेंड है। अच्छा दीजिए। अरे मम्मी डट जा, थोड़ी देर डट जा। चल जीजी, अंदर चल के ना कल की तैयारी करे। आजा 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 मम्मी। मैं भी अपनी मौत की तैयारियां कर लेता हूँ, पहले मेरे दोस्त के टुकड़े तो बीन लो। मैं आता हूँ बाद में, आता हूँ बाद में। कौन आया? रजनी सर, योर चाइल्डहुड फ्रेंड। मैडम कौन है? मैं नहीं जानता, कौन है? मिसेस साजन, आपने मुझसे झूठ बोला? मिसेस साजन। यस मैडम। डिड यू लाई? यस मैडम। Open your mouth. Ha ha ha. सपना था ये, लेकिन हकीकत में भी इससे कम बुरा नहीं होगा, ज्यादा ही बुरा होगा। क्या करूं यार मैं? पानी। यार साजन, वैसे आज सुबह जल्दी कैसे उठ गया बे? मैंने बहुत भयानक सपना देखा यार आज सुबह, उसके बाद मुझे नींद ही नहीं आ रही है। क्या देखा? मैंने देखा यार कि मैडम ने ना रजनीकांत वाला झूठ पकड़ लिया यार मेरा, और उसके बाद गोली मार दी मुझे। ये तो सपना था यार, असलियत में पता नहीं क्या करेंगी यार वो। टेंशन मत ले यार, सुबह के सपने ना सच होते हैं। मैडम तुझे हकीकत में गोली ही मारी। मैं तेरे डोलू मार दूंगा। ये क्या कर रहा है यार, दूध बह जाएगा तो? तू लेमन चूस ले, या मेरा खून बहने वाला साले, तुझे दूध की पड़ी हुई है। कश्मीरा ठीक कहती है, मेरे सारे दोस्त घटिया हैं। अच्छा बेटा, गलती तूने की है, झूठ तूने बोला, घटिया मैं हो गया। अबे मेरे ऊपर क्यों चिढ़ रहा है बे? अगर तू झूठ नहीं बोलता ना तो ये सब रायता नहीं फैलता बेटा। बात तो ठीक है यार तेरी, खामखा मैंने ही उड़ता तीर पकड़ लिया। चल। अरे एक मिनट साजन, मैं क्या बोल रहा हूँ, पता नहीं यार मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि रजनीकांत तेरे एड एजेंसी में आ रहा है। क्यों? क्यों क्या बे, खुद को देख ले, तेरा बॉस छेदी को देख ले, हैं? वो अपनी कंपनी में चपरासी है, तू घर पे, तो ऐसे लोगों की कंपनी में रजनीकांत क्यों आ गया बताओ? बात तो ठीक है तेरी, पर मैडम मुझसे झूठ क्यों बोलेंगी? यार मैडम भी ना तेरे बारे में ऐसी ही सोच रही होगी। इडली वड़े सांबर चटनी, आ जाओ आ जाओ, इधर आ जाओ, खाएंगे पिएंगे, आ जाओ भाई आ जाओ। इडली 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 इडली। अबे अबे खिलौनी, मैं सब समझ गया, वो देख देख वहां। मैडम मुझे बेवकूफ बना रही है, बिल्कुल सेम रजनीकांत है। यार माँ कसम यार, ये तो रजनीकांत की हुबहू जेरॉक्स कॉपी है बे। सांबा स्टाइल इटली एक्शन डोसा अल्टीमेट भूतापा।
अरे जीजी, जब रजनी सर आवेंगे ना तो दादी ने मत नाम दियो, वो घनी बड़ी फैन हो रही है उनकी। मोहतरमा, अगर रजनी सर के आने में थोड़ी और देर हो गई ना तो ये हम फूलों की माला आपके गले में पहना के आपको सजनी बना देंगे। वेलकम सर, वेलकम। यूज मी कंपनी के चेयरमैन और उसके स्टाफ की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आई एम अ बिग फैन ऑफ यू सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैडम भी कितनी ठंडी एक्टिंग कर रही हैं, कोई भी समझ जाएगा कि ये नकली रजनीकांत है। अयो, मैं ना आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ जी। अयो सर जी, हम भी आपकी बहुत बड़ी फैन होती सर। थैंक यू। अयो सर जी, मैंने ना आपकी एक एक फिल्म 20-20 बार देखी। 20-20 रियली? अयो सर जी, क्योंकि आपकी फिल्म तमिल में देखने से समझ में नहीं आती, इसलिए मैंने आपकी फिल्म हिंदी में देखी सर। एक एक फिल्म को 10-10 बार देखी सर। मम्मी आप भी कुछ कहिए ना रजनी सर से। मैं कुछ कहूंगी नहीं, करूंगी। जानते हैं ना कि आपके दोस्त हमारे कंपनी में एम्प्लॉई हैं। यस, हमारा पुराना दोस्त है। मिस्टर साजन, द मैन इज हियर, ग्रीट हिम, गो सी समथिंग। यस यस। वेलकम फ्रेंड, वेलकम। थैंक यू। मेकअप कहाँ से कराया? कौन से ब्यूटी पार्लर में गया था? What nonsense! अच्छा किया है मेकअप। इडली विडली का धंधा कैसा चल रहा है तेरा? नहीं नहीं पता ना। ये बॉडीगार्ड कहाँ से लाया? ये पैसे दिए इनको कि इडली खिलाएगा महीने भर? आप रजनी सर से कैसे बदतमीजी से बात कर रहे हैं? आपको पता है ना कि रजनी सर कितने बड़े सुपरस्टार है? सर वो हैं, ये कोई सुपरस्टार उपस्टार नहीं है। ये इडली बेचता है सड़कों पे। सर रजनी सर मेरे बचपन के दोस्त हैं, मैं उनको देख के कभी धोखा नहीं खा सकता। मैं उनकी स्मेल से पहचान लूंगा कि असली है कि नकली है। चल चल चल, असलियत बोल दे अपने, वरना दाढ़ी नोच लूंगा तेरी मैं। व्हाट इज दिस? என்ன சொல்ற? ஒண்ணுமே புரியல, உள்ளே போ, நீ खानी इडली। चल 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 चल। मैडम जी, म्युनिसिपालिटी वाले ने मेरे साइकिल उठा के ले गया, इसलिए मैं आने में देर हो गया, माफ कीजिए। तुम यहां हो तो फिर ये पापा, ये कौन है? ये कौन है यार फिर? अरे ये तो असली है। इन्ना रास्ता